नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। देश के जहन में आज भी पुलवामा हमले के वो घाव ताजा होंगे जब पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने फिदायीन हमला कर सीआरपीएफ के 40 जवानों को शहीद कर दिया था। 14 फरवरी को हुए इस आतंकी हमले के 4 दिन बाद ही 18 फरवरी को हमले वाली जगह से 12 किलोमीटर दूर पिंगलान में पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और सेना के जवानों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। तो वहीं 14 फरवरी के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड सहित जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था। इस मुठभेड़ के दौरान दक्षिण कश्मीर के DIG अमित कुमार भी गोली लगने से घायल हो गए थे, जो करीब 9 महीने बाद फिर से अपना पदभार संभाल चुके हैं। दान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दू। वीर रस से भरी ये पंक्तियां IPS अमित कुमार पर पूरी तरह चरितार्थ हो रही हैं, जो आतंकियों की गोली से घायल होने के बाद जब स्वस्थ हुए तो 9 महीने बाद देश की धरती की सेवा करने के लिए फिर से घाटी में लौट आए। पुलवामा के गुनहगारों को 1 महीने के अंदर ही जहन्नुम में पहुंचाने वाले IPS अफसर अमित कुमार ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर पुलिस में दोबारा DIG के पद पर ड्यूटी ज्वाइन की तो कवि कुमार विश्वास ने बब्बर शेर बताकर उनका स्वागत किया। IPS अमित कुमार ने दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने वाली खबर को शेयर करते हुए कुमार विश्वास ने ट्वीट किया, स्वागत शेरे बब्बर। 41 साल के वरिष्ठ IPS अफसर अमित कुमार दक्षिण कश्मीर रेंज के DIG के रूप में तैनात थे। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान उन्हें गोली लग गई थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अमित कुमार को उनके पेट में गोली लगी थी। 18 फरवरी को हुई मुठभेड़ के 5 दिन बाद उन्हें श्रीनगर स्थित सेना अस्पताल से इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी 5 बड़ी सर्जरीज की गई थी। उन्हें दिसंबर महीने के पहले ही हफ्ते में एम्स से छुट्टी दी गई थी और दिसंबर महीने के 3रे हफ्ते में ही उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उन्हें पुलिस मुख्यालय में तैनात किया गया है। अमित कुमार जम्मू कश्मीर कैडर के 2006 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं।